Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Lesson number 1, Nutrition in Plants. Question G. Answer the following questions in brief. Question number 1. What happens to excess glucose that is formed during photosynthesis? जो ज़्यादा glucose produce होता है photosynthesis के process के दौरान, उसका क्या होता है? Answer is, the excess glucose is stored in the form of starch in various parts of the plants like roots, stem and leaves. जो excess glucose है वो प्लांट्स के वेरियस पार्ट में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, जैसे रूट्स में, स्टेम में एंड लीव्स में. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज ए पार्शियल पैरासाइट डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्लीट पैरासाइट? पार्शियल पैरासाइट कंप्लीट पैरासाइट से कैसे अलग है? आंसर इज, a partial parasite has green leaves and can prepare its own food, but its root penetrate the host tree to get water and minerals. A complete parasite does not have leaves or chlorophyll. It has special sucking root-like structures called hosteria. This helps it to derive its food from the host plant. Partial parasite को green leaves होते हैं जो स्वयं खाना भोजन prepare करते हैं, और उनके जो roots होते हैं host tree में penetrate करते हैं, घुस जाते हैं और वहाँ से water and minerals absorb करते हैं. Complete parasite में ना ही leaves होते हैं ना ही chlorophyll होता है, पर इनके पास स्पेशल सकिंग रूट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम होस्टेरिया बोलते हैं, और ये होस्ट प्लांट से फूड डिराइव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ऑल्दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, दे आर स्टिल कंसिडर हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स, व्हाई? हालांकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, फिर भी उनको हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स क्यों कहा गया है? आंसर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक प्लांट एज दे फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स टू डिराइव न्यूट्रिएंट्स. दे ग्रो इन सॉइल्स दैट आर यूजुअली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, एंड सो दे ईट इंसेक्ट्स टू गेट their nitrogen requirements. They have green leaves that help them to prepare their food. Insectivorous plants को heterotrophic plants भी कहा गया है, क्योंकि वो small insects पे feed करते हैं और उनसे अपना nutrients derive करते हैं. Insectivorous plants वहाँ पे grow करते हैं जहाँ पे soil में nitrogen की कमी होती है, तो वो इंसेक्ट्स को खा के अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं. इनकी लीव्स ग्रीन होती हैं और जो उनको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ लाइकन्स गेट देयर न्यूट्रिशन? लाइकन्स अपने पोषण कैसे लेते हैं? Answer is, lichen is a symbiotic association between algae and fungi. The autotrophic algae provide food for the saprophytic fungi. In return, the fungi provide water, minerals and shelter to the algae. Lichen है वो symbiotic association है algae और fungi के बीच में. Autotrophic algae है वो फूड प्रोवाइड करता है फंगाई को, और फंगाई बदले में उसको
वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन एच, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन हाउ अ ग्रीन प्लांट गेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इट नीड्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताइए। बताइए कि कैसे हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी लेते हैं। आंसर इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू शुगर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय द टाइनी ओपनिंग्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश से हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन का रूप देने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वाटर रूट से ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। स्टोमेटा जो लीव्स के निचले भाग में प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल है वो एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर पैरासाइटिक प्लांट्स। एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स विद एग्जांपल। परजीवी पौधे क्या हैं? दो प्रकार के परजीवी पौधों को समझाइए उदाहरण सहित। आंसर इज पैरासाइटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट कंप्लीटली और पार्शली डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड। A partial parasite has green leaves and can prepare its own food, but its roots penetrate the host tree to get water and minerals, for example, mistletoe. A complete parasite does not have leaves or chlorophyll. It has special sucking roots like structure called hosteria. This helps it to derive its food from the host plant, for example, coscuta. Parasitic plants पूरी तरह से यहाँ आधी तरीके से दूसरे plants पे dependent होते हैं food के लिए। पार्शियल पैरासाइट को ग्रीन लीव्स होती हैं जो स्वयं भोजन प्रिपेयर करते हैं, उनके रूट्स होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं होस्ट ट्री में वाटर और मिनरल्स को सक करने के लिए, एग्जांपल है मिस्लेटो। और कंप्लीट पैरासाइट में लीव्स नहीं होते हैं ना ही क्लोरोफिल होता है, पर इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम होस्टेरिया बोलते हैं। ये होस्ट प्लांट से फूड डिराइव करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्क्यूटा। कॉस्क्यूटा अमरबेल जिसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक पौधे क्या होते हैं उदाहरण देते हुए बताएं कि ये पौधे अपना पोषण कैसे लेते हैं। आंसर इज द प्लांट्स विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स ऑर्गेनिक मैटर एंड डिराइव फूड फ्रॉम दीज आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉफ्स। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे प्रोड्यूस सर्टन डाइजेस्टिव जूसेस दैट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स एंड सॉलिड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपल लिक्विड फॉर्म एंड दस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाइप एंड कोरल रूट।
जो पौधे मृत और सड़ने वाले पौधों और जानवरों के कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उनको सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे कुछ पाचक रसों का उत्पादन करते हैं जो जटिल और ठोस मृत सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को सरल तरल में बदल देते हैं और इस प्रकार से पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उदाहरण इंडियन पाइप एंड कॉरल रूट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनी टू प्लांट्स। किसी भी दो में पोषण के कीट भक्षी प्लांट की व्याख्या करें। आंसर इज द लीव्स ऑफ द पिक्चर प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू जग और पिक्चर शेप्ड ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट्स। द टिप ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू कलरफुल लिड दैट कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। The inner walls of the pitcher have downward directing hair-like structures to entangle the trapped insect. A fluid containing many digestive juices present in the bottom of the pitcher. These digestive juices digest the protein present in the body of the insect. The leaves of the Venus trap is modified to trap insect. The entire leaf is modified into two parts such that the midrib forms a hinge. These leaves have short, stiff, hair-like projection at the edges. When an insect sits on the edges and touches the hair of the leaf snaps shut, trapping the insect inside. The trapped insect is then killed and digested. जो लीव्स हैं पिक्चर प्लांट की ऐसे मॉडिफाई होती हैं, ऐसी बन जाती हैं जैसे जग या पिक्चर यानी मटके जैसा शेप हो जाता है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। और पत्ती की जो नोक होती है वो कलरफुल होती है और ढक्कन का काम करती है जो खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। और ये जो जग जैसा शेप होता है, पॉट जैसा शेप होता है, उसको बंद कर देता है और खोल भी देता है। इनर वॉल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बारीक बाल प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें इंसेक्ट एक बार अगर ऊपर बैठ जाता है तो ये लिड बंद हो जाती है। उसके बाद में ये जो इंसेक्ट है नीचे फिसल जाता है और नीचे बॉटम में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से प्लांट को प्रोटीन प्राप्त होता है इन इंसेक्ट्स की बॉडी से। सेकेंड एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें जो लीफ है वो दो पार्ट में लोब्स में डिवाइड हो जाती है और इनके किनारों पे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एजेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इसके किनारों पे बैठता है वैसे ही ये लीफ बंद हो जाती है। बंद होने के बाद उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने लगते हैं और वो डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट होने के बाद फिर से ये लीफ खुल जाती है दूसरे इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर जे, लेबल द डायग्राम।